आपने देखा कि हमने पढ़ा कि कैसे सरकार क्या कर सकती है अब हम देखेंगे जो सेक्टर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं अनऑर्गेनाइज के तो अंडरस्टूड है अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है उसमें जो एम्प्लॉज होते हैं वो रजिस्टर्स होते हैं दे आर रजिस्टर्ड बाई गवर्नमेंट सरकार के पास इनके नाम रजिस्टर होते हैं और उनको सरकार द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है ठीक है दूसरी बात क्या होती है इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है क्योंकि दे आर रजिस्टर तो इसलिए इनकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो सुनिश्चित होती है उनको इनके जॉब से हटाया नहीं जा सकता तीसरी बात कहते हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका फिक्स्ड वर्कआवर और होता है मतलब उनके जो काम करने के घंटे होते हैं वो निश्चित होते हैं और अगर कभी वो ओवर टाइम करते हैं ओवर टाइम करते हैं तो इसके लिए उनको एक्स्ट्रा पे किया जाता है फिर है पेड हॉलीडेज ऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पेड हॉलीडेज़ होता है अगर आप कोई छुट्टी लेते हो तो आपकी सैलरी आपके पैसे नहीं कटेंगे बल्कि आप उस छुट्टी को खुशी खुशी मना के आओगे वापस दूसरे गवर्नमेंट जो है जो हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर है यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती है यानी पानी की सुविधा टॉयलेटरी की सुविधा हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से होती है इसके अलावा आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो अगर आपकी जॉब पूरी हो गई आपके ड्यूरेशन पूरा हो गया आपने अपने कार्यकाल तक काम कर लिया तो उसके बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी आपको पेंशन मिलेगा आपने देखा होगा इसलिए जो मोस्टली लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते तो प्राइवेट स्कूलों में लेकिन वो क्या डिमांड करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो सरकारी नौकरी में जाए क्योंकि जो सरकारी नौकरी है उसके ये फायदे हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं फिक्स आवर होता है ओवर टाइम पैसे मिलते हैं ओवर टाइम के उसके अलावा हॉलीडेज पेड होते हैं नौकरी ख़त्म होने के बाद भी पेंशन मिलती है ठीक है तो इस तरह के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिसमें प्राइवेट लिमिटेड होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं जैसे बैंक सरकारी स्कूल हॉस्पिटल आदि ये सारे जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जहाँ पे सबको बहुत सारी सुविधाएँ मिली होती हैं अब अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है जैसा कि पहला टॉपिक पहला आपको बताया गया था जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो रजिस्टर्ड होते हैं उसके एम्प्लॉय लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है दे आर नॉट रजिस्टर्ड वो इसलिए रजिस्टर्ड नहीं होते हैं कि उनको सरकार के रूल और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करना होता है दूसरा क्या था उसमें जॉब सिक्योरिटी थी यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड आवर होते हैं इसमें कोई फिक्स्ड आवर नहीं होता उसमें कहा गया था कि अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो पेड हॉलीडेज होगा इसमें कोई भी पेड हॉलीडेज नहीं होता है जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर गुड कंडीशन देता है वर्किंग कंडीशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक होती है इसमें पेंशन मिलता है अनऑर्गेनाइज में कोई पेंशन नहीं मिलता है इस तरह का एग्जाम्पल समझने के लिए हम बात कर सकते हैं जैसे हमारे आसपास हमने देखा होगा ढाबे हैं छोटी दुकानें हैं या खेत का एग्जाम्पल ले लें तो आप देखोगे कि जो जिस हिसाब से काम करता है उसके अनुपात में जो उनको पैसा या सुविधाएं मिलती हैं वो बहुत कम होती है तो जब हमने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ये सारे कैटेक्स देख लिए तो अब हमारे सामने एक जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो इनके लिए सरकार ने क्या को, कोई ऐसा नियम बनाया जहाँ पे जो सरकार है इन मजदूरों का कुछ भला कर सके तो हाँ तो इसके लिए कुछ सजेशंस हैं जो दिया गया है क्या कह रहा है अगर हम रूर एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में क्या होते हैं स्मॉल और मीडियम फार्मर्स होते हैं इनको हमें क्या करना है सबसे पहला तो हम इन्हें लोन दें सरकार जो है इन्हें लोन दे लेकिन जो है उस पर ब्याज दर जो है वो मिनिमम लगाएं उसके अलावा जो सीड प्रोवाइड करे वो अच्छी क्वालिटी का हो ताकि अगर वो कम जगह पे भी खेती करें तो जो उनका प्रोडक्शन है वो बेटर हो इरिगेशन सिस्टम जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए डेवलप किया जाए ताकि उनकी जो फसल है वो किसी इरिगेशन की वजह से खराब ना हो जाए तो रूरल एरिया में सरकार ये काम कर सकती है अब अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है फिक्स आवर नहीं है बैड वर्किंग कंडीशन है तो यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है इन लेबर्स के लिए लॉ एंड पॉलिसीज ला सकती है आपने देखा होगा सरकार ने कई सारे एक्ट भी बना रखे हैं चाइल्ड एक्ट है और क्या कहते हैं मज़दूरों को उनको अगर काम के दौरान कुछ हो जाता है तो उसके लिए उनके लिए बीमा की योजना है और ऐसे बहुत सारे फंड है जो सरकार ने इन लोगों के लिए क्या कर रखा है अप्लाई कर रखा है और इसी तरह कास्ट की हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पर कास्ट के हिसाब से भी जैसे डिस्क्रिमिनेशन है तो सरकार ने एस सी के लिए क्या कर रखा है ये कर रखा है कि इनके साथ बिना किसी भेदभाव के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे हैव राइट टू वर्क इन ए दी एरिया ऑफ द कंट्री ठीक है तो आप इतना देख लेंगे और अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट जो कि इस तरह जो तो आपने देखा कि डिवीजन के आधार पर जो सेक्टर्स से है वो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होते हैं तो उन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सरकार क्या -क्या, क्या क्या काम कर सकती है अब ऑनरशिप के आधार पर भी जो सेक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स होते हैं अगर पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी बात होती है कि दीज आर ओन बाय गवर्नमेंट ठीक है इनको सरकार संचालित करती है और इनका मेन मोटिव होता है टू सर्व द पीपल ऑफ़ द कंट्री दुनिया देश में रहने वाले लोगों की सेवा करना इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं जैसे स्कूल है हॉस्पिटल है पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे जो सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश करती है और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से पता होगा जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसका जो मालिक होता है या तो कोई एक व्यक्ति होता है या बहुत सारे लोग जो होते हैं उस एक ग्रुप में रह के उस प्राइवेट सेक्टर को चलाते हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर में इनका मेन मोटिव सेव सर्व द पीपल होता है इनका मेन मोटिव होता है अर्न मनी ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रिलायंस है टाटा है ऐसे बहुत सारे फूड चेन की बात करें तो के है और क्या कहते हैं क्रंची बर्गर ऐसे बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स के जो मालिक हैं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बहुत तरक्की की है लेकिन उसका जो अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो जनता को ना मिल के उनको मिलता है तो अब हमें अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं तो जो रेलवे है या वाटर सप्लाई है ये पब्लिक सेक्टर में ना होकर प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं है तो अगर इन सारी सुविधाओं को पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर में कर दिया जाएगा तो इससे नुकसान होगा क्या नुकसान होगा अगर हम बात करें रेलवे की ठीक है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए हमें इस जगह की ज़रूरत होगी कई सारे लेबर्स की ज़रूरत होगी तो उसके लिए क्या होगा बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो हमारी सरकार के पास आ, क्या कहते हैं सॉरी हमारी सरकार तो कर सकती है मैनेज लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो नहीं कर सकते क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है वो हमारे मतलब देश में रहने वाले लोगों के लिए बनाई जाएगी जबकि अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी करेगी तो वो ये देखेगी उससे उनका कितना फ़ायदा होता है दूसरी बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो वोन प्रोवाइड दिस थिंग एट अ रिजनेबल कास्ट तो अगर रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए तो जो टिकट आपको सौ रुपये में मिलती है वही टिकट आपको कितने में मिलेगी दो सौ की मिलेगी पाँच सौ की मिलेगी तो वो रिजनेबल कॉस्ट पे नहीं मिल पाएगी इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में आती हैं और अगर जैसे बात करें इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं हम पानी की बोतल लेते हैं हमें ट्रेन की सफ़र करते हैं रेल नील मिलता है वो रेल नीर यानी पानी की बोतल जो सर रेलवे ट्रैक पे हमें रेलवे स्टेशन पे या रेलगाड़ियों में हमें मिलता है वो हमें दस रुपये या बारह रुपये का पड़ता है उसी जगह हम बिस्री की बोतल लेते हैं तो वो तीस रुपये और ब्रांड के नाम से अलग अलग जो वाटर की कीमत है वाटर बॉटल की वो अलग अलग हो जाती तो आप इससे समझ सकते हैं तो इसीलिए क्या होता है जो गवर्नमेंट है इन सब चीज़ों को अपने हाथ में रखती है एक नेक्स्ट पॉइंट और है गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर्स बट प्राइवेट कंपनीज वोंट डू दैट दूसरी सबसे बड़ी बात जो है जो गवर्नमेंट है अगर किसी सामान को किसानों से लेती है सपोज किसानों से उन्होंने उनकी फसल ली गेहूँ या चावल या दाल एक हज़ार रुपये में ठीक है और वापस से उसको आ, क्या करते हैं राशन कार्ड बी वालों को और जो बिलो बी लाइन है ऐसे लोगों को ब्लू कार्ड और रेड कार्ड दे रखा है जहाँ पे जो गरीब जनता है उनको कम दामों पे अनाज मिलता है तो उस किसान से फसल को लेके जो सरकार है कम दामों में किसको उपलब्ध कराती कंज्यूमर्स को जिससे किसान का भी भला होता है और कंज्यूमर्स का भी भला होता है लेकिन अगर यही प्राइवेट कंपनियाँ हों तो आपको शुरू में बताया था सौ किलो रुपए के गेहूं को उन्होंने एक हज़ार में बिस्किट बना के बेचा तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है तो फाइनली आपका यह चैप्टर ख़त्म होता है आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक इसे पढ़ लीजिएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा थैंक यू